हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग कलर पेंसिल्स के थ्रू क्रॉस हैचिंग सीखने वाले हैं। तो ये कलर पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूं। ये आप देख लीजिए, यहां पे स्टैडलर ल्यूना ब्रांड के हैं जो बहुत ही सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं, चीप रेट्स में मिल जाते हैं आपको, और कुछ इस टाइप के रिजल्ट को ऑप्ट करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट काइंड ऑफ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो लेट्स ट्राई इट। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और आउटलाइंस के लिए मैं यूजुअली पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को ही यूज़ करता हूँ, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आउटलाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल्स यूज़ करके आई वगैरह को फिनिश कर रहा हूँ। और डार्क ब्राउन और डार्क ब्लैक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब हम क्रॉस हैचिंग्स को शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कैसे क्रॉस हैचिंग्स आपको करनी है, लाइंस को क्रिएट करना है और कलर पेंसिल यूज़ करके डायरेक्टली आप लाइंस को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, क्रॉसिंग्स करते जाना है। और जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। पहले लाइट पेंसिल यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद डार्क पेंसिल को यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस रहेगा। और प्रेशर नहीं देना है, शुरू में बहुत कम प्रेशर रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप इजीली उसको, अगर कोई चेंजेस करने हो तो आप उसको इरेज कर सकें। तो मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ। मैं पर्पल भी कर रहा हूँ, ग्रीन भी यूज़ कर रहा हूँ। और पोर्ट्रेट में कई लोग सोचते हैं कि ग्रीन और पर्पल टाइप के कलर का यूज़ नहीं होता है, बट आप करिए और करके फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ग्रीन फाउंडेशन को क्रिएट करके, पर्पल फाउंडेशन को क्रिएट करके भी पोर्ट्रेट में और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट ला सकते हैं। बट कोशिश यही करिए कि हल्के प्रेशर पर यूज़ कीजिएगा। क्रॉस हैचिंग्स में हमेशा आप थोड़े हल्के प्रेशर पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वैल्यू को अचीव करेंगे। Thank you.
तो जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट है, तो यहाँ पे मैं ब्लश को थोड़ा सा ओवर एग्जैजुएट कर रहा हूँ, थोड़ा वैल्यू को और ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। ब्लश जो पोर्शन है चीक्स के ऊपर, उसको मैं रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पे हाईलाइट भी मैंने क्रिएट किया, ताकि मैं कैरिकेचर जैसा कॉन्सेप्ट आर्ट क्रिएट कर सकूँ, और एक करेक्टर डिज़ाइन करने की यहाँ पर मेरी कोशिश है। सिमिलरली मैं वैसे ही यहाँ पे लिप्स में भी डार्क रेड को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिम्सन रेड को यूज़ करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे ओवर एग्जैजुएट करूँगा थोड़ा सा वैल्यू को। तो देखिए क्रॉस एचिंग्स के लिए क्या करना है आपको, अपर लिप्स पे अपर डायरेक्शन में लाइन्स को ऑप्ट कीजिए, फिर लोअर लिप्स में लोअर लाइन की तरफ लोअर डायरेक्शन में लाइन्स को ऑप्ट कीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस एचिंग्स करते हुए उस वैल्यूज को आप मर्ज कर सकते हैं जितना चाहें उतना। कुछ जगहों पे आप इरेजर को यूज़ करके वैल्यूज़ को हटा भी सकते हैं, ये खूबी है इस पेंसिल की, कलर पेंसिल की, कि आप इसको बहुत इजीली इरेज कर सकते हैं। यूजुअली प्रिज्मा कलर और पॉलीक्रोमोज इतने अच्छे से इरेज नहीं होते, लेकिन ये जो स्टैडलर ल्यूना ब्रांड के हैं ये बहुत अच्छे से इरेज हो जाते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने आपको बताया है वो आप एक बार ट्राई की जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग तरीका है, एक नया तरीका है जो मैंने भी अभी तक ऑप्ट नहीं किया था। मैंने ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप लोगों ने कौन से एफर्ट किए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर ये पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।